बच्चा पाल ले सब बड़ा बड़ेरा सब बड़ा बड़ेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी काकरिया ने सजाया वो जी चौपाल देखने वाला सबला दर्शकाने राम राम सा भाई। महिला की जिम्मेदारी सबसे प्रमुख है। प्रकृति और समाज को जीवित रखने के लिए और बिने बेहतर बनावा के लिए सबसे बड़ो जोखिम उठावे है स्त्री यानी महिला। कोई भी नयो जीव उत्पन्न करवा के लिए महिला की आवश्यकता है। बिकी देख रेख सही होनी चाहिए, सहृदय व्यवहार होना चाहिए, आराम खुशी और पोषक तत्व से भरपूर भोजन महिला ने मिलना चाहिए क्योंकि महिला और बच्चा दोनों का जीवन आपस में जुड़े रहे। आपनी जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है इसमें महिला ने स्वतंत्रता तो मिली है, वो घर से बाहर जाके काम तो कर रही है लेकिन बिना दोहरी भूमिका को बोझ भी उठाना पड़ रहा है। घर में काम करना, अपने परिवारजन की देखभाल करना, बच्चों की जिम्मेदारी को कामकाजी महिला का रूप में नहीं देखे जावे है। जब तक महिला आर्थिक योगदान नहीं दे, सीधो सीधो आर्थिक योगदान अगर देवे, आय कमावा में योगदान दे, तो बिना कामकाजी महिला माने जावे है, महिला ने पूरा सम्मान नहीं मिले है। ऐसी स्थिति में के करना चाहिए। महिला जब दूसरा जीवन ने जन्म देवा की तैयारी में है तो आपनों सबको जिम्मेदारी बने है कि महिला को पूरा पूरा ध्यान रखे, बिने आराम भी मिले, बिने खुशी भी मिले और जो पोषक तत्व बिका शरीर के लिए बिका बच्चा के लिए जरूरी है वो सब बिने मिलना चाहिए। ऐसी ही सोच के साथ सरकार ने एक नई योजना लागू की, मातृ वंदना योजना, जिनमें महिलाओं की खास देखभाल होवे है और महिलाओं ने कुछ दियो भेजावे है जिससे कि महिला की देखभाल हो सके, वो प्रसव अस्पताल में करावे और पूरी पूरी व्यवस्था के साथ सुनिश्चित किया जावे कि स्वस्थ बच्चा को जन्म हो। जी हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आज आप चर्चा करेगा अपना चौपाल कार्यक्रम में और चर्चा करवा के लिए आज अपने साथ पधारिया है सतपाल यादव साहब जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं शाहपुरा जयपुर से। सतपाल जी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। नमस्कार, धन्यवाद सतपाल जी। जी हाँ, आप बात करिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की आज आप बात करांगा, तो सबसे पहले अपना दर्शकों ने आई बताएं कि आ योजना है के इसकी शुरुआत कब से हुई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं को मातृत्व लाभ उपलब्ध कराने की एक योजना है जो 1 जनवरी 2017 से लागू की गई है। पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। योजना में जैसा कि आपने अभी मैंने शुरुआत में बात की कि महिला की जो स्थिति है बहुत पिछड़ी हुई है। आज के टाइम में महिला पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम तो करे है लेकिन बिने पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। जब कोई एक गर्भवती महिला है या धात्री महिला है उनकी पूरी जिम्मेदारी भी का परिवार जन की बने हैं लेकिन समाज में और सरकार ने इको जिम्मे उठाया कि आ योजना की शुरुआत की, तो जानो चाहा कि आ योजना के है और इसका उद्देश्य के है, किन उद्देश्य की पूर्ति के लिए आ योजना की शुरुआत है। आपने सही कहा कि महिला को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, विशेष रूप से जो एक नए मनुष्य को जन्म दे रही है माँ, गर्भवती महिला है और जो धात्री माता है, उनको विशेष सम्मान और विशेष देखभाल की आवश्यकता है। तो आपको उद्देश्य बताऊं इस योजना, उससे पहले अपन ये देखना चाहेंगे आज स्थिति क्या है जी। भारत में अपन ये देखना चाहें कि कितनी महिलाएं जन्म दे रही हैं, एक नए जीव को जन्म दे रही हैं, उनमें से 100,000 महिलाएँ अगर जीवित जन्म दे रही हैं उनमें से 130 महिलाएँ प्रसव के कारण और उसकी जटिलताओं के कारण अपना प्राण त्याग रही हैं। इसी प्रकार से जो बच्चों का जन्म हो रहा है तो 1,000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उनमें से 34 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं। हमारे महिलाओं में एनीमिया, रक्त की कमी, खून की जो कमी है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आज भी 53% 100 में से 53 महिलाओं में खून की कमी है, उनका खून 11% से कम है, उनमें हीमोग्लोबिन का स्तर 11 से कम है। इसी प्रकार से अगर अपन टीकाकरण की स्थिति देखें तो 62 बच्चों को ही पूरी तरह से टीके लग पा रहे हैं 100 में से। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए आयरन फोलिक एसिड की जरूरत होती है कि उसमें खून की कमी नहीं रहे, तो 100 में से 30 महिलाएं ही प्रॉपर सही तरीके से आयरन फोलिक एसिड की गोलियां ले पा रही है अपनी गर्भावस्था के दौरान। तो ये जो स्थितियां मैंने आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए भारत भर के, इनको ध्यान में रखते हुए और एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके कुछ प्रावधान हैं कि हर महिला को मातृत्व लाभ मिलना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए कम से कम 6,000 रुपये का प्रावधान इसमें किया गया इस कानून में। साथ ही उसको पर्याप्त पोषण और उसके स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। बच्चों और महिलाओं के पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पहले से ही की जाती रही है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। हमारी एक पूरी टीम है राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रही है इसमें। अब ये नई बात है कि हर महिला को जो माँ बने उसके मातृत्व के लाभ उसको मिलना चाहिए। तो 6,000 रुपये की ये योजना कानूनी प्रावधान के माध्यम से किया गया।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य हैं, जिस प्रकार से कोई सरकारी नौकरी करने वाली महिला है वो अगर माँ बनती है तो उसको 6 महीने का अवकाश मिलता है और वेतन भी मिलता है। तो क्या वो गरीब महिला जो मजदूरी कर रही है या अपना खेती का काम कर रही है या स्वरोजगार कर रही है, वो माँ बनती है तो उसको भी पर्याप्त आराम की जरूरत है, उसको भी देखभाल की जरूरत है। हम ये देखते हैं कि आज कई महिलाएं आर्थिक तंगी की वजह से या सामाजिक कुछ कारणों की वजह से ऐसी स्थिति में हैं कि वो अपने गर्भावस्था के अंतिम समय तक भी काम करती हैं, अपनी आजीविका कमाती हैं। तो उन महिलाओं को भी आराम मिले, साथ ही वो महिलाएं प्रसव के बाद कुछ समय बाद ही पूरी तरह से शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो पाती हैं, फिर भी आर्थिक मजबूरी से वो काम पे चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि वो कुपोषित ही बच्चे रहेंगे, कुपोषित ही वो मां रहेंगी, अल्पोषित रहेंगी, उनमें खून की कमी रहेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये योजना लागू की। इस योजना का पहला और प्रमुख उद्देश्य यही है कि उन महिलाओं को भी आराम मिले जो किसी सरकारी सेवा में नहीं है, और इस आराम के बदौलत उनका जो काम छूटता है, उनकी जो मजदूरी छूटती है, उसका आंशिक पुनर्भरण सरकार करे, सरकार की तरफ से किया जाए। दूसरा मतलब शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाबा के लिए, और महिलाओं ने सही वातावरण मिले और प्रसव के बाद भी बिने घर में आराम करवा के लिए मिल जाए, कि सरकार की तरफ से जो अनुदान दियो जा रहे हैं कि भाई बिने जो जिन दवाइयां की जरूरत है या कि देखभाल की जरूरत है वो आबादी से पूरी कर सका। जी, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनको आराम मिले, साथ ही वो संस्थागत प्रसव से जुड़े, उनके चिकित्सा विभाग के नेटवर्क से जुड़े, आंगनबाड़ी केंद्र पे जाएं या स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, वहाँ पे उनका टीकाकरण हो, उनकी प्रसव पूर्व जांच हो, साथ ही उनको अन्य जो सुविधाएं मिलनी, अगर उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, किसी प्रकार का जोखिम है प्रसव को लेकर, तो वो पहचाना जा सके समय से और पहचान करके उसका उचित निदान हो सके समय रहते, ये भी इसका उद्देश्य है। और समाज में गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण और स्वास्थ्य को लेके एक सकारात्मक माहौल बने, लोगों में जागरूकता आए, ये भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कि मतलब सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, परिवार जन की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई माता मतलब कोई महिला गर्भ धारण करे है तो बीकी पूरी देखभाल भी का परिवार की जिम्मेदारी, बिने सही भरण पोषण भी मिलना चाहिए, कामकाज में भी बिने रियायत मिलनी चाहिए, वो आराम भी करे और साथ में काम भी कर पाए। जी बिल्कुल सर। और तीसरा उद्देश्य आप की मान सका, जागरूकता फैलाना समाज में, लोगों में संस्थागत उससे नेटवर्क से जोड़ना और पहला आराम, ये तीन उद्देश्यों को लेके ये योजना शुरू की गई है। जी भाई, कि गर्भवती महिला आराम करे तो एक स्वस्थ शिशु ने जन्म दे सके, बिने पूरा पोषक तत्व मिले तो महिला भी सही रहेगी और बिको बच्चों भी सही रहेगा। अब आ योजना की मुख्य बातें भी जानना चाहा कि भाई आ योजना किया दूसरी योजना में से भिन्न है, क्योंकि मातृ वंदना योजना की तरह जैसे जननी सुरक्षा योजना, ऐसी बहुत सारी योजना जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए चलाई जा रही है, तो आ योजना की मुख्य बात क्या है? इस योजना में मुख्य बातें हैं कि ये पहले बच्चे के जन्म पे इसका लाभ दिया जाता है जी, और इसके लिए वो सभी महिलाएं पात्र हैं जिनको अन्य किसी जगह पे मातृत्व लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यही एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है कि कोई वो SC ST OBC हो या APL BPL हो, सभी महिलाएं चाहे कितनी धनी हो वो इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन वो और दूसरी जगह मातृत्व लाभ नहीं ले पा रही हैं, तो वो सभी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी, ये इसकी विशेष बात है। जी, तो अगर आप बात करें कि योजना को लाभ किया ले सका हाँ या कौन-कौन लाभ ले सके हैं, जी हाँ, आप पात्रता की बात कर रहे हो तो एक बार आपने दर्शकों ने भी बताओ कि कौन-कौन सी महिलाएं ई के लिए पात्र हैं और कौन-कौन सी महिलाएं ई के लिए पात्रता नहीं रखे हैं। आपने सही प्रश्न पूछा कि पात्रता और अपात्रता, तो अपन इसमें एक चीज जान लें कि अपात्र कौन है, बचे हुए सभी इसके लिए पात्र हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अपात्र वो महिलाएं जो कहीं से मातृत्व लाभ ले रही है, सरकारी सेवा में हो, सरकारी नौकरी कर रही है, तो उसको 6 महीने का मातृत्व लाभ मिल रहा है, अवकाश मिल रहा है, साथ में उसको वेतन भी मिल रहा है, और किसी सार्वजनिक उपक्रम में काम कर रही है या भारत में किसी कानून के तहत इस प्रकार का कोई अन्य मातृत्व लाभ ले रही है, तो स्वतः ही वो इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगी। और बची हुई सभी महिलाएं इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए पात्र हैं, लेकिन पहले संतान के जन्म पे, पहले बच्चे के लिए ये लाभ है, तो ये इसकी शर्तें हैं। कि मतलब कि अगर कोई महिला पहली बार गर्भ धारण कर रही है तो वो मातृ वंदना योजना को लाभ ले सके, लेकिन अगर दूसरी बार गर्भ धारण कर रही है तो इको लाभ नहीं मिल सके हैं। अभी को कारण भी था से पूछना चाहूँ सतपाल जी, ऐसो क्यों? क्योंकि जब आपने देश में मान्यता है कि भाई 2 बच्चा तक आप जन्म दे सका हाँ, तो पहले ही बच्चा पर कई माँ ने ज्यादा देखभाल की जरूरत हो और दूसरा बच्चा पे नहीं हो।
अपने ये सही प्रश्न पूछा, मेरे भी दिमाग में ये प्रश्न है कि क्यों नहीं दो बच्चों तो की। लेकिन अपन ये देखें कि अब तक कोई ऐसी स्कीम थी ही नहीं जी, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के अलावा, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं के अलावा किसी को ये लाभ मिल ही नहीं रहा था। खेत में जो खेती कर रही है, स्वरोजगार कर रही है, जो मजदूरी कर रही है, उन माताओं के लिए ऐसी कोई स्कीम थी ही नहीं। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत हुई है ये, आगे जाके हो सकता है दो बच्चों के लिए सरकार इसको लागू करे, लेकिन नहीं होने से शुरुआत हुई है, एक बेहतर चीज़ है। दूसरी बात, अपन इसको यूँ भी आप देखिए कि पहली बार कोई महिला माँ बनती है तो वो उसके शिक्षित हो जाएगी, वो कि क्या जांच करवानी है, कहाँ जाना है, क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी बरतनी है। तो इस प्रकार का एक समाज में एक माहौल बनेगा, वो माँ भी शिक्षित हो जाएगी, समझ जाएगी कि प्रसव में क्या क्या जटिलता हो सकती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या खाना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस कितना आराम करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी शुरुआत है, पहले बच्चे पे ये योजना लागू की गई है, हो सकता है आगे जाके भविष्य में ये दो बच्चों तक इसका विस्तार हो। सतपाल जी बिल्कुल सही बात बोली आपने कि महिलाओं ने जब पहली बार गर्भधारण करे तो बिना जानकारी नहीं हो गए कि कहीं कब अब कब अपने स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर अपनी जांच करानी है, कहीं खानों है, कितनी मात्रा में लेना है, कितना आराम करना है, के काम करना है और नहीं। लेकिन पहली बार गर्भधारण के बाद आपने पता चल जावे है ना बच्चा ने जन्म, जब आप दूसरी बार करना तो आपने खुद की समझ में आ जावे कि भाई मेरी जिम्मेदारी है अपने टाबर की देखभाल करनी है अपने बच्चा के लिए, तो मैं समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाऊँ भी की जाँच भी कराऊँ जिससे कि मेरे बच्चों भी स्वस्थ रहे और मैं भी स्वस्थ रहूँ। इलिए की आ योजना पहला बच्चा पर ही आपने दी जा रही है। अब अगर कोई महिला आ योजना से जुड़नो चाहे है तो वो किया आवेदन कर सकते हैं या कि पंजीकरण कराने की आवश्यकता हो तो कठे जार पंजीकरण करा सके है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र सबसे सुलभ जगह है जी, हर जगह पे आंगनबाड़ी केंद्र उपलब्ध है। आंगनबाड़ी केंद्र पे महिला अपना पंजीकरण करा सकती है या फिर नजदीकी कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां भी पंजीकरण करवाया जा सकता है इस योजना के लिए। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और आशा सहयोगिनियां घर घर जाके अपने घर संपर्क के दौरान भी महिलाओं को जागरूक करती हैं, उनको बताती हैं, वहां भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं इसके। तो आंगनबाड़ी केंद्र इसका मेन जगह है जहां पंजीकरण करवाया जाता है, आवेदन किया जाता है, एक पूरी प्रक्रिया है इसकी। अच्छा, क्योंकि आपने एक फॉर्म भरना पड़े और बी में पंजीकरण करना पड़े, कौन कौन सा कागजात आपने देना पड़े हैं कि भाई आजकल भाई जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सी महिला ने गर्भधारण की हो तो आकी सरकार ने भी जानकारी हो और जिया के आपने लाभ मिले हैं तो उनके लिए कौन कौन सा दस्तावेज आपने जमा कराना पड़े हैं। इस योजना को अपन थोड़ा सा विस्तार में यूँ समझें कि कुछ तो शर्तें हैं इसके साथ, कुछ दस्तावेज हैं। तो 5,000 रुपये इस योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पे गर्भावस्था से लेकर और उसका जन्म हो जाए, टीकाकरण हो जाए तब तक दिए जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहली किस्त के लिए वो महिलाएं पात्र हैं जो LMP अपना जो उसका मासिक धर्म का अंतिम जो डेट थी उससे लेके और 150 दिन के भीतर भीतर आंगनबाड़ी केंद्र पे या स्वास्थ्य केंद्र पे रजिस्ट्रेशन करा लेती है। उसके बाद वो पहली किस्त के 1,000 रुपये के लिए अपनी पात्रता रखती मतलब है। एक बार आपने पंजीकरण करा लियो तो आपने 1,000 रुपये मिल हाँ जाए। वो पात्रता रखती है 150 दिन के अंदर अंदर अगर पंजीकरण कराया तो। अब ये शर्त भी इसीलिए लगाई कि वो जल्दी से ICDS और स्वास्थ्य विभाग के नेटवर्क में आ जाए। अभी मैं आपको बता रहा था पहले कि क्या स्थिति है अपने यहाँ पे ANC प्रसव पूर्व जो जांच होती है 58% महिलाएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी अपनी गर्भावस्था के 3 महीने के दौरान 58% महिलाएं ही करा रही हैं, 42% महिलाएं तो जांच ही नहीं करा रही, जांच ही नहीं करा रही हैं। और कम से कम 4 ANC होनी चाहिए, तो 4 ANC कराने वाली तो 50% ही हैं, बाकी की 50% माताएं तो जांच ही नहीं करवा पा रही हैं। जी, तो उन माताओं ने आपने स्वास्थ्य केंद्र पर लाना जरूरी है और बिना जांच करानी जरूरी है, इसलिए आपने शर्त रखी गई है। और दूसरी शर्त की अगर आप बात करें तो वो पहली किस्त का बता रहा था, पहली किस्त है उसके साथ ये शर्त रखी है कि वो 150 दिन के अंदर अंदर अपना पंजीकरण कराए आंगनबाड़ी केंद्र पे। और पहली किस्त के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, अब महिला ने पंजीकरण करा लिया तो पंजीकरण कराने के बाद एक उसका कार्ड बनता है, ममता कार्ड जिसको बोलते हैं, तो वो कार्ड होना चाहिए, उसमें उसका एक नंबर दिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग से वो नंबर जनरेट होता है जिसको PCTS ID बोलते हैं। अच्छा, उसमें पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाता है फिर उस महिला का। आधार कार्ड चाहिए होगा हमको उसके लिए, पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड चाहिए होगा, साथ ही जिस बैंक खाते में वो अपना पैसा लेना चाहती है महिला के नाम से खाता होना चाहिए,
उसकी एक बैंक पासबुक की फोटोकॉपी चाहिएगी जी, जिस खाते में ट्रांसफर करना, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है ना, उसको कैश नहीं दिया जाएगा, डीडी चेक किसी प्रकार से नहीं, खाते में सीधा ट्रांसफर, खाता में राशि ट्रांसफर होगी जी। तो वो खाते का पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए, पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड चाहिए, उसका ममता कार्ड जो बोलते हैं वो चाहिए, ये दस्तावेज होंगे तब वो पात्र हो जाएगी और उसका फॉर्म भर के वो अपना आंगनबाड़ी केंद्र पे जमा करा देगी। वहाँ से 7 दिन के अंदर अंदर वो महिला पर्यवेक्षक के पास जाएगा। 20 से 25 या 30 केंद्रों पर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक महिला पर्यवेक्षक होती है, वो उन केंद्रों का निरीक्षण करती है, उनको मोटिवेट करती है, किसी प्रकार की समस्या आती है तो समझा के समाधान करती है जी। तो महिला पर्यवेक्षक फिर उस फॉर्म में जाँच करेगी कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, उसकी LMP के हिसाब से वो 150 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो पात्र है, दस्तावेजों को जाँच करेगी। उसके 7 दिन में वो बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्थात CDPO के ऑफिस में फॉर्म भेजेगी जी। वहाँ से वो फॉर्म ऑनलाइन होके और स्टेट नोडल ऑफिसर के पास आ जाता है, वहाँ भी एक बार उसको देखा जाता है कि यहाँ पूरी पात्रता है या नहीं, या नहीं। और वहाँ से क्लियर होने के बाद विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर उस महिला को प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जाता है जिस प्रकार से उसने आवेदन किया। तो ये पहली किस्त का प्रक्रिया थी। हमने जाना कि पहली किस्त के साथ शर्त ये लगाई हुई है कि वो 150 दिन के अंदर अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रेगनेंसी का, अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण करा लेगी तो उसको लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरी किस्त मिलती है 2000 रुपए की। दूसरी किस्त मिलती है जब वो 6 महीने की महिला गर्भवती हो जाती है, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको एक प्रसव पूर्व जाँच कराना अनिवार्य है। तो अब प्रसव पूर्व जाँच का रिकॉर्ड रखा जाता है ममता कार्ड में। तो दूसरी किस्त के साथ हमें सिर्फ एक ही दस्तावेज चाहिए, ममता कार्ड। उससे हमें ये पता चल जाए कि इसने जांच कराई है, 6 महीने के भीतर भीतर जांच कराई है या नहीं है। वो जांच हो जाएगी और ममता कार्ड में कॉपी, उसकी फोटो कॉपी साथ लग जाएगी तो दूसरी किस्त की भी यही प्रक्रिया है। 7 दिन के अंदर वो आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर के पास जाएगा, वहां से फिर वो बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जाएगा और उसका भुगतान हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी किस्त का भुगतान है। तीसरी किस्त में शर्त हमारी ये है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, साथ ही उसके टीकाकरण जो आवश्यक टीका लगने हैं वो लगे होने चाहिए। प्रथम चक्र जो है 14 सप्ताह तक चिकित्सा विभाग द्वारा जो टीके लगाए जाते हैं वो टीके अगर उस बच्चे के लग जाएंगे तो लगेगा। अभी आप ऐसी शर्त ये लगाई है कि बच्चे के हित में और माँ के हित में दोनों के हित में। हाँ, इसलिए नहीं लगाइए कि योजना से कोई बाहर हो जाए और कम लोगों को लाभ मिले। हाँ, इसलिए लगाइए। हाँ। आप ही सोच सके हैं कि भाई इतनी सारी शर्तें हैं तो आप परेशान हो जाएंगे कि लाभ ही नहीं ले। लेकिन जो पहली शर्त है पंजीकरण करानो, यानी आपने अगर गर्भधारण किए तो सरकार की नजर में आ जाए, जी हाँ, कि आपने सही समय पर सही जो रुपया 1000 रुपये की बात हुई आपका सीधा खाता में आ जाए। और खाता की बात जहाँ तक रही, आजकल हर घर में हर महिला को खातों है तो किन्हें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात है कि प्रसव पूर्व जांच, वो भी इसलिए जरूरी है कि भाई आपकी जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल हो सके। अगर कोई परेशानी है प्रसव में तो डॉक्टर साहब ने पहले ही पता चला कि तो आपने समझाइश हो सके कि भाई आपने आ चीज़ों को ध्यान रखना है। और तीसरी शर्त आ है कि प्रसव के बाद में बच्चा को पूरा टीकाकरण हो जाए, यानी जो आपने शिशु मृत्यु दर बढ़ती चली जाएगी, बी पे रोक लगे, अगर टीका समय पर लगेगा तो शिशु भी स्वस्थ रहेगा और माँ की भी पूरी पूरी देखभाल हो जाएगी। ये आप कह सकेंगे कुल मिलाकर 5000 रुपये मातृ वंदना योजना के तहत एक माता ने मिल रहा है और बी का खाता में मिल रहा है। इसमें कोई भी फेर वाली बात नहीं है, सीधा का सीधा बी का अकाउंट में बिल्कुल उन्हीं के खाते में। दावा की क्या प्रक्रिया है आपा, मतलब कितना समय में आवेदन कर सका हाँ? और कितना समय देरी से भी कई बार ऐसा हो जाए कि भूल चुक हो गई है, भाई आपने जानकारी नहीं है, कई महिलाओं ने अभी तक नहीं कराया पंजीकरण, तो कितना अधिकतम समय तक पंजीकरण करा सके और दाव के लिए क्या करें? अगर महिला ने LMP से 150 दिन के भीतर अगर पंजीकरण करा रखा है जी, तो ऐसी स्थिति में वो 730 दिन के अंदर अंदर दावा कर सकती है। 730 दिन अगर निकल गए तो उसके बाद उसको भुगतान नहीं कर पाएंगे। और अगर पंजीकरण नहीं कराया है और पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में पहली और दूसरी किस्त का भुगतान नहीं हो पाएगा अगर बच्चे का जन्म हो गया तो, लेकिन तीसरी किस्त का भुगतान हम कर सकते हैं जन्म की डेट से और 450 दिन के भीतर उसको दावा करना होगा। तो ऐसी स्थिति में बिना पंजीकरण जन्म के बाद एक ही किस्त का लाभ मिल पाएगा, और पंजीकरण हो रखा है तो 730 दिन के भीतर अगर वो दावा करती है तो उसको तीनों किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। थोड़ा सा एक में बताना चाहूंगा कि पहली किस्त के साथ जैसे मैंने बताया कि पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड लगना जरूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पहली और दूसरी किस्त का भुगतान वैकल्पिक उसकी पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी लग जाए, राशन कार्ड लग जाए, लाइसेंस लग जाए, पासपोर्ट लग जाए, इस प्रकार के कुछ दस्तावेज हैं
वो देके हम पहली और दूसरी किस्त का भुगतान तो कर पाएंगे लेकिन तीसरी किस्त के लिए अनिवार्य शर्त है कि उसमें आधार कार्ड होना जरूरी है। तो पहली किस्त से तीसरी तक आपने बहुत सारा लंबा समय मिल जाए, मतलब 9 महीना को समय है, तो आधार कार्ड आप आसानी से बनवा सका। कोई भी व्यक्ति के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो परिवारजन जाए अपनो आधार बनवावे, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है और हर योजना को लाभ लेबा के लिए आकी जरूरत है। अधिकतम समय आपने बताया कि 730 दिन के भीतर भीतर आप आवेदन कर सका। अगर कोई महिला आवेदन करवा से चूक गई है तो वह आ योजना को लाभ नहीं उठा सके। बिल्कुल, इसलिए यही है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं बिका परिवारजन सचेत हो जाएं कि भाई आपने योजना आ गई है, अच्छी वाली योजना है, कि जल्दी से जल्दी आपने गर्भधारण कियो है तो बिको पंजीकरण अवश्य कराएं अगर योजना को लाभ उठानो है तो। आंगनबाड़ी की महिलाओं की बात करा, जी हाँ, कि आपने पात्रता में बताया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वह आ योजना को लाभ नहीं ले सकते, नहीं ले सकता, क्योंकि वो पहले से मातृत्व योजना को लाभ ले रही है। जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं वो सरकारी कर्मचारी तो नहीं कही जा सके, नहीं तो काई बिने इस योजना को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो 3 महिलाएं काम करती है, मानदेय कर्मी जिनको हम बोलते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगिनी, ये तीनों मानदेय कर्मी इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि इनको 6 महीने का अवकाश मिलता है, मानदेय भी मिलता है, क्योंकि ये पूरी ग्रास रूट लेवल पे जमीनी स्तर पे ये इस योजना को लागू करने में बहुत बड़ी वर्क फोर्स है हमारी, और ये लागू कर रही है, ये खुद ही वंचित रहेंगी तो ये एक तरह से अन्याय है उनके साथ। तो इन महिलाओं को, मानदेय कर्मियों को, आंगनबाड़ी पे काम करने वालों को इस योजना का लाभ बिल्कुल दे है पहली संतान एक तरह से सेवा को काम अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही है। आप लोग खुद को ध्यान रखते हुए जितनी भी आसपास की महिलाएं बिना सरकार से जुड़े हैं और योजनावा से जुड़े हैं तो भाई इनको तो पहलू हक बने हैं कि भाई इन्हें हर योजना को लाभ समय पर मिलना चाहिए। अन्य योजनाएं जैसे बहुत सारी मैंने पहले भी बोली है, जननी सुरक्षा योजना है, मातृ शिशु योजना है, तो अगर इन योजना को आप लाभ ले रहे हैं तो कहीं मातृ वंदना योजना को भी लाभ आपने मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अन्य किसी योजना में लाभ ले रही हैं महिलाएं और इस योजना के लिए आवेदन करती हैं और पात्र हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान है कि कम से कम 6,000 रुपये मातृत्व लाभ हर महिला को मिलना चाहिए। तो इस योजना में तो हम 5,000 रुपये ही दे रहे हैं, तो 1,000 रुपये जननी सुरक्षा योजना में भी मिल रहा है। शहर में 1,000 रुपये, गाँव में 1,400 रुपये, उस योजना का लाभ मिल रहा है, तो मिला के कम से कम 6,000 रुपये मिल रहे हैं, पूरा पूरा महिला ने मिल सके हैं। इसी प्रकार और योजनाएं भी हैं जो पैरेलल चल रही हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगी विभाग की योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, उसमें भी कुछ उद्देश्य इससे मिलते जुलते हैं, टीकाकरण हो, जन्म का रजिस्ट्रेशन हो। उस योजना में बेटी के जन्म से लेके, 2 बेटियों तक है वो योजना, बेटी के जन्म से लेके और वो कक्षा 12 उत्तीर्ण करती है तब तक 6 किस्तों में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना का योजना का लाभ वो माँ ले रही है, वो बच्ची जिसका जन्म हो रहा है अगर वो पात्र है तो 50,000 रुपये राजश्री योजना में भी मिल सकते हैं, जननी सुरक्षा योजना के 1,400 रुपये भी मिलेंगे। साथ ही कुछ श्रम विभाग की योजना भी है, अगर किसी के पास श्रमिक कार्ड है और उनके घर में बेटे का जन्म होता है तो 20,000 रुपये और बेटी का जन्म होता है तो 21,000 रुपये, 2 बच्चों तक वो भी है। तो अगर अपन बेटी की बात करें तो बेटी के जन्म पे 1,400 रुपये जननी सुरक्षा के भी मिलेंगे, 5,000 रुपये मातृ वंदना योजना के भी मिलेंगे और राशि में है तो 50,000 वो भी मिलेंगे। अगर वो श्रमिक की बेटी है, श्रमिक के घर में पैदा हुई है, श्रमिक कार्ड बना है, तो 21,000 रुपये वो भी मिलेंगे अलग से मिलेंगे। तो ये सारी योजनाएं साथ साथ लाभ उठाया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, नहीं। मकसद एक ही है कि समाज में इस प्रकार का वातावरण बने महिलाओं के पक्ष में, बेटियों के पक्ष में भी, कि बेटियों के जन्म को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को पर्याप्त आराम मिले, पर्याप्त पोषण मिले, इस प्रकार की ये जागरूकता हो और सकारात्मक वातावरण बने एक पोषण और स्वास्थ्य को लेकर। अभी थोड़े दिन पहले देखता मैं आ रही हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या की समस्या जो अपने देश में ही, लेकिन अब भी की स्थिति बहुत सुधर गई है, कन्या भ्रूण हत्या बहुत हद तक कम हो गई है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी योजनाएं और सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन और एक सहायता मिल रही है लोगों ने, तो लोगों ने समझ आ रहे हो कि भाई बेटी भी अपने पे बोझ नहीं है। एक चीज और पूछनी चाहूँ सतपाल जी, जिया की बताया कि दूसरा बच्चा पे आय योजना लागू नहीं हो गए है, लेकिन जब आपने पंजीकरण करा लियो और अगर कोई भी गलती से या कोई कारणवश गर्भपात हो गया है तो क्या स्थिति है आय योजना की? हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि ऐसे हो सकता है अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटित होती है तो लाभ मिलेगा जहाँ तक वो पात्र हैं। जैसे कोई महिला गर्भवती हुई और उन्होंने अपना पंजीकरण 150 दिन के भीतर भीतर आंगनबाड़ी पे करा लिया तो उनको पहली किस्त का लाभ मिल जाएगा, उसके बाद अगर गर्भपात होता है तो आगे की 2 किस्तें नहीं मिलेंगी, नहीं दी जाएंगी।
लेकिन पुनः अगर वही महिला गर्भवती होती है तो उनको पहली किस्त का लाभ तो चूंकि वो पहले ले चुकी है उनको दूसरी किस्त और तीसरी किस्त मिल जाएंगी। जी इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण अपन ये देखें कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है कि उनको दो किस्तों का लाभ मिल गया, बच्चे का जन्म भी हो गया और जन्म के बाद उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, जन्म प्रमाण पत्र बन गया, लेकिन टीकाकरण नहीं होगा, इस दौरान अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो दो किस्तों का लाभ उस महिला को मिल गया, तीसरी का नहीं मिला। तो अगर दोबारा से नेक्स्ट टाइम वो गर्भवती होती है तो जन्म के बाद टीकाकरण हो जाएगा, शर्तें और पात्रता पूरी कर लेगी तो उसको तीसरी किस्त का भी भुगतान कर दिया जाएगा। यानी मकसद ये है कि महिला को 5,000 रुपये इस योजना के पूरे मिलने चाहिए। जी, तो मतलब आप कह सके हैं कि जो लोगों में भ्रांति है कि भाई योजना सिर्फ पहला बच्चा में ही है, आ गलत है, सिर्फ महिला की देखभाल के लिए आ योजना की शुरुआत की गई है, अगर गर्भपात हो भी जाए तो दूसरा समय गर्भधारण करने पर आप इस योजना को लाभ उठा सकें। सतपाल जी थे आया और इतनी चौकी योजना के बारे में आपने दर्शकों ने बताया, अभी के लिए था को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक ध्यान रखो अपना परिवार को और जच्चा बच्चा को, इसलिए ही देश खुशहाल होगा, तब तक के लिए राम राम साहब।